हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ माँ। मैं हूँ प्रियंका। आज हम लेकर आए हैं एक रेसिपी जो बच्चे की वज़न बढ़ाने में बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। रेसिपी को सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कुछ इसके हेल्थ बेनिफिट्स। इसमें तीन चीज़ हम डाल रहे हैं, एक पोटैटो है, बटर है, चीज़ है। तो कुछ क्वेश्चंस भी मन में आएंगे कि क्या हम बच्चे को चीज़ और बटर दे सकते हैं और कब से हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो ये डाउट्स भी आपको वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएंगे। सो पहले इसे बनाना सीख लेते हैं, कीप वॉचिंग। आइए रेसिपी के लिए देख लेते हैं आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस रेसिपी में सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आलू। आलू को मैंने अच्छे से धो के उसे पील कर लिया है, अब मैं इसे कट करूँगी। आधा चम्मच चाहिए आपको बटर एंड थोड़ा सा चीज़। तो आइए आलू कट कर लेते हैं। आलू आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास छोटे आलू हैं इसलिए मैं दो ले रही हूँ। देखिए आलू कट गए हैं। अब इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक पैन। गैस को कर लेते हैं ऑन। सबसे पहले जाएगा इसमें बटर। बटर को मेल्ट होने के बाद आप इसमें पोटैटो डाल सकते हैं। बटर मेल्ट हो गया, इसमें डाल दीजिए पोटैटो। इसको अच्छे से हिला दीजिए ताकि इसमें सारी बटर की कोटिंग पोटैटोस पर लग जाए। अगर आप बटर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एज अ फ्राइज बना सकते हैं। क्योंकि अनिका भी छोटी है तो मैं इसे कम ऑयली खिलाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से बटर में ही इसको फ्राई करने का सोचा है। गैस को कम कर लेना ताकि जल ना जाए पोटैटो। इसे आपको तब तक पकाना है जब तक फर्स्ट चीज़ ये हल्के से क्रंची और कलर इसका थोड़ा सा ब्राउनी ब्राउनी हो जाए, एंड सेकंड चीज़ ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ताकि बेबी इसको मैश करके खा सके। सो मैं थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर रही हूँ लिड से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए इनका कलर चेंज हो गया, मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। देखिए कलर चेंज हो गया है, हल्के से क्रंची हो गए हैं। गैस को कम कर लो और इसे थोड़ी देर के लिए और कवर कर लो ताकि ये अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गैस को कर दीजिए बंद, ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इसी में थोड़ी देर के लिए इसको, क्योंकि कूल डाउन हो रहा है, इसी में हमने चीज़ डाल दिया ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। इसके बाद हम अपनी बेबी को सर्व कर सकते हैं।
आपने इसे बनाना सीखा, इसे बनाने का तरीका डिफरेंट भी हो सकता है। आप बटर में ना इसे फ्राई करके, आप इसमें घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। आप बच्चे को चीज़ नहीं देना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। बटर नहीं देना चाहते, ये भी टोटली आपके ऊपर है। कुछ लोग घी में प्रेफर करते हैं इस आलू को देना, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं अनिका को इसी में कई बार आलू के साथ बीन्स दे देती हूँ, डिफरेंट पनीर दे देती हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ मैं ट्राई करती रहती हूँ अनिका के लिए। चलिए इसके हेल्थ बेनिफिट जान लेते हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसमें पोटैटो। पोटैटो में काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बच्चे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वेट गेन के लिए बेस्ट फूड माना जाता है, क्योंकि बच्चे को पोटैटो काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो आप ये बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चे का वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ साथ इसके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, हेल्थ अच्छी रहती है बच्चे की। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ इसमें डाइजेशन में भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली बच्चा इसको डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये सारी चीज़ अगर आपका बेबी पोटैटो खाएगा तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बेबी की बॉडी में जाएंगे ही जाएंगे। सेकेंड चीज़ इसमें हमने डाली है चीज़। चीज़ में बहुत ही सारे कैल्शियम है, फैट है जो बच्चे के वज़न के लिए भी अच्छा माना जाता है, और प्रोटीन है जो कि बेबी डेवलपिंग बेबी की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। थर्ड चीज़ हमने इसमें डाला है बटर। बटर में काफ़ी सारे विटामिन्स है, मिनरल्स है, फैट है जो बच्चे की बॉडी के लिए ज़रूरत है, उसकी वेट गेन के लिए ज़रूरत है। बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसे एनर्जी, बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ बटर में है। ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएगा, तो आपके बेबी को ये डेफिनेटली पसंद आने वाली है। यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी फॉर योर बेबीज़। नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपने बेबी को चीज़ और बटर खिला सकते हैं और ये फ्राई पोटैटो भी खिला सकते हैं। 6 मंथ के बाद आपको उबले हुए आलू ही खिलाने हैं मैश करके अपने बेबी को। बट अनिका को उबले हुए आलू बहुत ही कम पसंद थे, तो वो थोड़ा खाया करती थी बट उतने अच्छे से नहीं खा पाती थी। तो मैंने इसका ऑल्टरनेट सोचा, तो ऑल्टरनेट ये रेसिपी बन के निकली है। बट मैंने ये 10 महीने के बाद अनिका को शुरू की है, यानी कि 6 to 10 months तक मैंने अनिका को बॉइल्ड पोटैटो ही खिलाए हैं। तो आप भी 10 से 11 महीने का जब आपका बेबी हो जाए तब आपको स्टार्ट करना है चीज़ बटर, और ये रेसिपी आप बच्चे को खिला सकते हैं। तो ये वेट गेन के लिए अच्छी है, साथ ही साथ और भी इसके हेल्थ है बेनिफिट्स है जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। आगे हम और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो कोई वीडियो आप मिस ना कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।